नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंश माथुर, आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही एक्सोजेनिक कंपनी ने भले ही ब्रिटेन में ह्यूमन ट्रायल पर रोक लगा दी हो, लेकिन भारत में वैक्सीन का ट्रायल जारी है। एस्ट्रोजेनेका ने ब्रिटेन में अपने अंतिम फेज के ट्रायल के दौरान मानव परीक्षण में शामिल एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने पर आगे के ट्रायल पर पूर्णतः रोक लगा दी है। भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल के दौरान इस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है, जिसके साथ ही दूसरे फेज के ट्रायल में अभी तक 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई है, लेकिन एक हफ्ता पूरा हो जाने के बाद भी इन पर कोई रिएक्शन नहीं देखा गया है। तो फिलहाल जो राहत बड़ी खबर ये है कि अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि भारत में जो इस पर ट्रायल चल रहा है क्या उस पर रोक लगेगी, तो अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान भारत सरकार की तरफ से नहीं मिला है, यानी कि भारत में इस पर ट्रायल लगातार जारी है, लेकिन ब्रिटेन में जिस तरीके से वॉलंटियर के बीमार पड़ने पर रोक लगा दी गई है वो चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में क्या ऐसे परिणाम सामने आएंगे तो क्या करेगी सरकार, क्या फिर से हमें जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ये देखना होगा।